हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मम्माज किचन ऑलवेज ओपन। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी फ्रेंड्स बहुत ही फेमस नॉर्थ इंडियन वीकेंड लंच रेसिपी, जो कि हम लोग हर वीकेंड पे ट्राई करते हैं और एंजॉय करते हैं। इसको हम कुछ सीक्रेट टिप्स के साथ आज बनाएंगे और कुछ अलग स्टाइल से। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कढ़ी पकौड़े की रेसिपी, एक बड़े ही अलग स्टाइल से, और इसको हम पंजाबी तड़का डाल के बनाएंगे। तो उसके लिए मुझे चाहिए फ्रेंड्स, ये मैंने बेसन लिया हुआ है, ये बेसन मैंने लिया है एक कटोरी पकोड़े के लिए, एक टेबलस्पून बेसन अलग से लिया हुआ है कढ़ी के बैटर के लिए, तीन छोटे पीस प्याज है जिनको मैंने थोड़ा लंबा शेप में कट कर लिया है, दो ग्रीन चिली और कुछ गार्लिक। एक चीज का फ्रेंड्स हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप कोई सॉल्टी रेसिपी बेसन की बना रहे हैं तो उसमें गार्लिक बहुत ही मैंडेटरी है। एक तो उससे आपका टेस्ट इनहेंस होता है और दूसरा कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है कि उन्हें बेसन डाइजेस्ट नहीं होता, तो वो प्रॉब्लम भी खत्म हो जाती है। ये लस्सी है, इसको मैंने दही को लस्सी में कन्वर्ट कर लिया है, एक कटोरी दही को लस्सी में कन्वर्ट करके रख लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। बेसन में ऐड कर देंगे हम ये प्याज, लहसुन और हरी मिर्च को मैंने अच्छे से कूट लिया है, ऐड कर देंगे इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर और एक चम्मच नमक। इसको हम अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा पानी और इसे हम हाथ से अच्छे से पकोड़े का, जैसे हम नॉर्मल बैटर बनाते हैं उसी तरह का बैटर हमें बनाना है, ना ही ज़्यादा पतला और ना ही ज़्यादा थिक। ये बैटर तैयार हो गया पकोड़े के लिए। अब पैन रख देंगे गैस पे और ऑयल हीट होने के लिए। ऑयल हीट हो गया है, अब हम इसमें तलेंगे पकोड़े। पंजाबी स्टाइल कढ़ी में पकोड़े का साइज थोड़ा सा बड़ा ही रखिए। ये देखिए इसी साइज के हम सारे पकोड़े फ्राई कर लेंगे। देखिए जब तक हमारे पकोड़े तैयार होते हैं तब तक हम तैयार कर लेंगे कढ़ी का बैटर एक खास टिप्स के साथ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वही बर्तन है जिसमें मैंने पकोड़े का बैटर तैयार किया था, इसमें थोड़ा सा बेसन हमेशा रह जाता है, तो इसी में हम ऐड करेंगे बैटर के लिए जो बेसन मैंने रखा था एक बड़ा चम्मच वो, और इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर आधा चम्मच के आसपास, आधा चम्मच धनिया पाउडर, और इसमें हम ऐड करेंगे जो हमने दही से लस्सी बनाई है 5 से 6 चम्मच बस। अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। में हम एक चम्मच और ऐड करेंगे ये लस्सी। देखिए फ्रेंड्स, इसका ये पतला बैटर तैयार हो गया है। अब हम इस बैटर को पूरी जो लस्सी हमने ली हुई थी उसमें ऐड कर देंगे। हाँ फ्रेंड्स, यही इसका मेन सीक्रेट है, मेन टिप्स है, क्योंकि आप जब भी अगर पूरे बेसन को एक साथ दही या लस्सी में ऐड करेंगे तो वो मिक्स होने में बहुत टाइम लेगा और लम्स आने के चांसेस रहते हैं, लेकिन आप अगर उसको अलग से 5 से 6 चम्मच लस्सी में मिक्स करेंगे तो वो इजीली मिक्स हो जाएगा, कोई लम्स भी नहीं आएंगे। ये देखिए, ये देखिए बिना किसी लम्स के बहुत ही आसानी से ये कढ़ी का बैटर हमारा
तैयार हो गया है। अब हम देख लेते हैं अपने पकोड़ों को। पकोड़े भी हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें पैन से बाहर निकाल लेंगे और गैस को बंद कर देंगे। ये देखिए कितने अच्छे सॉफ्ट पकोड़े हमारे तैयार हुए हैं, बहुत ही सॉफ्ट पकोड़े हैं। अब हम तैयार करते हैं कढ़ी को। इस बैटर में ऐड करूंगी फ्रेंड मैं आधा गिलास पानी, और इसे अब मैंने एक कढ़ाई रख दी है हीट होने के लिए गैस पे, बिना किसी ऑयल के बिना तड़के के हमें इसको इसमें डालना है। इसको हम डाल देंगे अच्छे से और इसे हम लगातार स्टिर करते हुए इसको करीब करीब हम 5 से 6 मिनट के लिए इसे बॉयल करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स कढ़ी में अच्छे से बॉयल आ गया है, 5 मिनट हो गए इसको बॉयल आते हुए। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक हमें शुरू में ऐड नहीं करना है, नमक को हम जब इसमें बॉयल आ जाएगा तभी ऐड करेंगे। 1 चम्मच नमक मैंने इसमें ऐड किया है। बहुत बार ऐसा होता है कि कढ़ी बॉयल होते होते आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा ठीक हो गई है, तो आप उसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं उस टाइम पे। ये देखिए हमारी कढ़ी का बैटर बहुत अच्छा सा है, बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ है, तो मुझे इसमें और पानी ऐड करने की जरूरत नहीं है। अब मैं इसे 5 मिनट के लिए और पकने देती हूँ, 2 से 3 बॉयल और इसमें आ जाएंगे, तब तक हम तैयारी करते हैं इसके तड़के के लिए। तड़के के लिए हमें चाहिए, ये मैंने लिए लाल मिर्ची, साबुत लाल मिर्ची है ये, थोड़ा सा हींग, कुछ पत्ते कड़ी पत्ते लिए हैं, और ये 5 फोरन है जिसमें कि 5 तरह का मसाला मिला हुआ रहता है, सौंफ, मेथी, जीरा, राई और काला जीरी। 2 पीस मैंने गार्लिक के ले लिए हैं। और अब हम तैयार करते हैं इसका तड़का। इस पैन में हम ऐड करेंगे 1 चम्मच ऑयल, और जो भी हमने मसाले लिए हुए थे यहाँ पे तड़के के लिए वो सब हम इसमें ऐड करेंगे, और उसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच रेड चिली पाउडर। ये देखिए तड़का हमारा तैयार हो गया है, कढ़ी भी रेडी हो गई है हमारी बॉयल होके। अब हम इसको निकाल लेंगे बाहर बर्तन में। कढ़ी को मैंने बर्तन में निकाल लिया। अब हम इसमें ऐड करेंगे पकोड़े। आप चाहें तो पकोड़ों को 2 मिनट के लिए बॉयल भी कर सकते हैं, बट ये बहुत सॉफ्ट पकोड़े थे पहले से ही, तो मैंने इसको बॉयल नहीं किया हुआ है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे तड़का। ये देखिए तड़का थोड़ा सा मैंने ठंडा करके ही इसमें डाला है। तो फ्रेंड्स तैयार है कढ़ी पकोड़ा पंजाबी स्टाइल में। हम लोग इसे एंजॉय कर रहे हैं राइस के साथ आज लंच में। आप लोग भी इसे ट्राई कीजिए इस रेसिपी को, कि ये रेसिपी मैंने कुछ खास स्पेशल टिप्स के साथ बनाई है। आप इसे बताइए कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। आप भी इन टिप्स को फॉलो करते हुए इस रेसिपी को तैयार करें और अपना फीडबैक मुझे शेयर कीजिए प्लीज़।